आवाज जो है आपके कानों तक पूरी पूरी मतलब सुनाई देती होगी। हमारे साहब जो है बोले हैं कि मतलब अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन के बारे में। ये अनसेफ एक्ट जो है या अनसेफ कंडीशन, ये हमसे ही पैदा होता है, ये हमसे ही पैदा होता है जब हम साइट पे काम करते हैं। तो हम काम करते करते कुछ ऐसा काम करते हैं जो मतलब अनसेफ एक्ट हो जाता है और अनसेफ कंडीशन हो जाता है। अनसेफ एक्ट बोले तो जो हम खुद जानबूझ के गलती करते हैं, और अनसेफ कंडीशन जो पहले से ही खराब कंडीशन में रखा हो, खराब कंडीशन में हो। जैसे मान लीजिए कि अपना ये डोर है जाली वाला, एक तो क्लोज है एक ओपन है, ठीक है। तो जो क्लोज है वो तो ठीक है, लेकिन जो ओपन है वो अनसेफ कंडीशन में है। ये एक टाइप का कंडीशन खराब हो गया। हम मान लीजिए रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में जो हमारा वाला क्लोज होता है उधर में कोई सरिया पड़ा हो या केबल पड़ा हो और उसमें फंस के पैर फंस के गिरने का चांस बनता है, तो वो जो केबल रखा है वो अनसेफ कंडीशन हो गया, उसको नहीं हटाया, यानी हमारी गलती है, अनसेफ एक्ट हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक बंदा हमारा, चाहे वो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, हेल्पर, दीवार, कुछ भी हो, या हमारे सुपरवाइजर साहब हो, या मैं खुद, हर एक व्यक्ति को अपने आप में एक सेफ्टी ऑफिसर के जैसे आंकना यानी भापना चाहिए। खुद को एक सेफ्टी ऑफिसर आप समझो कि मैं एक सेफ्टी ऑफिसर हूँ। जब आपके मन में ये बात आएगी तो आप अच्छे से सेफ्टी में रह के सुरक्षित ढंग से कार्य करेंगे। और दूसरी बात कि जो हमारी फैमिली है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हम खुद के लिए तो आए ही हैं, लेकिन खुद से भी ज़्यादा अपने फैमिली के लिए यहाँ पे आए हैं। और घर में पैसे की आवश्यकता नहीं होती तो यहाँ पे हम क्या करने आते हैं 2000 किलोमीटर दूर से चल के? पैसा चाहिए तभी तो आए भाई। 12 घंटा 15 घंटा हम ड्यूटी करते हैं, धूप में ड्यूटी करते हैं, बारिश में ड्यूटी करते हैं, पूरा दिन धूप में तपते हैं हम लोग। किसके लिए तपते हैं भाई? अपने फैमिली के लिए तपते हैं हम लोग। तो हम लोगों को इतना सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि जो हम ड्यूटी करने आए हैं यहाँ पे पैसा के लिए, तो हम किस ढंग से किस तरीके से काम करेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित ढंग से काम कराना या करना, करने और कराने में भी अंतर होता है। कराने वाले व्यक्ति तो आपको मतलब हर एक टूल्स चेक करके दे दिया, हर एक चीज़ आपको दे दिया, लेकिन करने वाला जो व्यक्ति है अगर वो ठान लिया कि नहीं हमको अंश एक्ट करना है, हमको गलत ही काम करना है, फिर उसको कोई बचा नहीं सकता है भैया। तो हमारे जो साहब ने बोला कि देखिए जो भी हम मतलब जैसे साहब ने बोला था लेडर के बारे में हाइट पे चढ़ने के लिए कि अधिकांश जो मतलब दुर्घटना होता है हाइट से ही होता है, ये सत्य बात है। और किस कंडीशन में होता है? जल्दीबाजी में होता है। हमको जल्दी नहीं करना है जी, 5 मिनट वो आपने कहा सुना होगा कि दुर्घटना से डेढ़ भला जी। क्यों कहा गया है 5 मिनट? मतलब बड़े बूढ़े लोग बोले हैं कि 10 दिन का रास्ता चले जाओ लेकिन 2 दिन का रास्ता मत जाओ। जल्दी वाला रास्ता अक्सर मतलब खराब होता है, डेंजर होता है। घूम के जाने वाला रास्ता सही होता है। जो 10 मिनट हमारा लेट लग रहा है, हम खुद का 10 मिनट अपना लंच टाइम का 10 मिनट दे देंगे, 5 मिनट दे देंगे, उतना ज़्यादा काम कर लेंगे। हमारा सुपरवाइजर, कॉन्ट्रेक्टर, कंपनी कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, नहीं बोलेगा ना। तो इसके लिए हम काम ईमानदारी से करेंगे और अच्छे से करेंगे। ये नहीं कि मतलब जल्दी जल्दी में हमको 6 मीटर हाइट पर चढ़ जाना है और केबल खींचना है तो बिना सेफ्टी बेल्ट फंसाए हुए हम भागेंगे उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। अधिकांश देखिएगा आप लोग घटना हाइट वर्क से ही होता है। और कब? जब शाम को मतलब छुट्टी होने का टाइम होता है ना जी, कि चलो 5 बजने में 5 मिनट कम है। अरे भाई तो 5 मिनट कम है, हमको फटाफट घर निकलना है, 10 मिनट में रूम पे पहुंचना है। उसी 5 मिनट में
ये हादसा होता है, जितना भी एक्सीडेंट होता है ना, उसी 5 मिनट में होता है। अगर वो 5 मिनट आपको बचा लेंगे ना, तो हादसा मतलब समझ लीजिएगा कि 85% बच जाएगा। काम करने की स्टार्टिंग में सब बंदा पूरा मतलब जाता है तो आराम है, रुको 5 मिनट थोड़ा पानी पी के कहता हूँ, थोड़ा 5 मिनट बैठ के कहता हूँ। लेकिन छुट्टी होने के टाइम पे कोई बंदा ये नहीं सोचता है भैया कि 5 मिनट बैठ के तब छुट्टी करूँगा ना, सामान जैसा है वैसा फटाफट इकट्ठा किया, भागा स्टोर में ले जाके चाहे जैसे तैसे फेंक दिया और भागा यश निकल के। उसी में हाइट में जब बंदा काम करता है तो फटाफट मतलब भागने के चक्कर में कोई पैर में कुछ फंस गया, केबल वगैरह कोई एंगल फंस गया या किसी कारण से उसका पैर जो है फिसल गया और वो ऊपर से नीचे आ जाएगा तो हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। क्या? हड्डियों का सुरमा। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर लाना ही मत, भूल के भी मत लाना आप लोग कि हम बहुत ज्यादा नॉलेज वाले हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं। ऐसा गलती, अरे भैया हम तो इंसान हैं, जब महादेव रावण का नहीं चला तो हम क्या हैं, उतना घमंड तो उनके पास भी नहीं चला जो बहुत बड़ा मतलब मैं आपको पता भी लगा समझता था। तो हम मनुष्य हैं, छोटा मतलब प्राणी है हम लोग। लेकिन ये अभी क्या है, जो अभी मतलब इस धरती पर जीवधारी है, समय बुद्धिजीवी हैं हम ही लोग। एक मनुष्य ऐसा है जो मतलब जो भी जीवधारी व्यक्ति प्राणी है उसमें सबसे बुद्धिजीवी है, तो उस बुद्धि का दुरुपयोग नहीं उपयोग करें हम लोग। जो है कि सुरक्षा से दुश्मनी नहीं है, हमको दोस्ती करना है। अगर दुश्मनी करेंगे तो एक अंग अपना गवा बैठेंगे और घर चले जाएंगे। जो हमारा फैमिली है हमको इतना दूर भेजा है कि जाइए आप वहाँ कमाइएगा, क्या पता आप में से कोई ऐसा भी व्यक्ति हो हमको ही ले लो, उतना दूर से मैं आया हूँ 2 रुपये कमाने के लिए, हमारी फैमिली इतना दूर भेजी हमको इधर आके। उधर मम्मी पापा तो हमारे नहीं है, लेकिन घर में वो जो लोग हैं मतलब वो लोग दो हाथ दो पैर पूरा फुल बॉडी मतलब सेफ भेजा इधर हमको कमाने के लिए, पूरा बॉडी का हर एक पार्ट पूजा जो भी है लेके आया हूँ। इधर से मैं अगर एक उंगली तोड़ के जाऊँगा तो जो घर वाले हैं वो पैसा नहीं देखेंगे जी कि 1 लाख लेके आया हूँ कि 2 लाख लेके आया हूँ, नहीं वो उंगली देखेंगे कि अरे तो 10 उंगली लेके गया था, 9 उंगली लेके आया है। तो इतना दुख और तकलीफ होगा हमको कि पूछिए मत, पैसा नहीं दिखेगा उस टाइम। और गाँव वाले वो गाली ही देंगे, क्यों, अरे ये गाँव में कुलफाती था, ये बहुत कुलफात करता था, ये चला ऐसे भी उधर करता होगा, ये इसके लिए इसके साथ ऐसा हादसा हुआ है। भैया रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि लोकल आदमी हो चाहे कंपनी का ही आदमी हो चाहे मतलब यही घर हो उससे मतलब नहीं है, दूर नजदीक से मतलब नहीं है, अपने अंदर ईगो मत लाओ, ईगो सबसे बुरी चीज है। और आदत, आदत डाल लो आप सेफ्टी में रहने के लिए। आदत सुना होगा आपने, रस्सी आवत और रस्सी जात तो सिल पे पड़त निशान, यानी पत्थर पर रस्सी और आने और जाने से भी निशान पड़ सकता है। हम इंसान हैं, धीरे धीरे आदत डालेंगे तो एक दिन फुल सेफ्टी में काम करने लगेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा 1 दिन 2 दिन ऐसे करके हफ्ते दिन के अंदर बस हम सुधर जाएंगे। हर एक लाइन से हमारा जो आदत है ना अच्छा हो जाएगा। हाइट पे चढ़ के काम करने के लिए, हॉट वर्क का काम करने के लिए, मतलब किसी भी केमिकल का काम करने के, कोई भी काम कर लेंगे हम लोग कब, जब आदत बनाएंगे सुरक्षित ढंग से काम करने का, तब जब हम खुद ठान लिए कि नहीं हमको हाइट पर चढ़ना तो सेफ्टी बेल्ट इस पर लटका के चलना है, तब नहीं होगा जी। 10 मिनट लेट लगेगा लेकिन हम फंसा के जाएंगे, लाइफ लाइन फंसा के जाएंगे। तो अभी जब हम सोचेंगे कि सेफ्टी में रहें और सुरक्षित काम करें तो अभी हो सकता है। ये साहब के मतलब सुबह आके TBT कराने से नहीं होगा, मैं खुद बोलता हूँ, मैं सुबह आके TBT कराता हूँ, कितने लोग पालन करते हैं इसमें, हाथ उठाइएगा। मैं एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं ध्यान में दिया हूँ कौन करता है पालन कौन नहीं करता है, अगर भूल से वो बंदा हाथ उठा दिया तो मैं बुला दूंगा यहाँ पे, उठाइए आप लोग हाथ, कौन सेफ्टी में फुल काम करता है। बस यही संख्या है हमारी, ठीक है। तो सोचिए हम कितने पीछे हैं, आप लोग सोच लीजिए हम कितने पीछे हैं और क्या क्या हमारे साथ हो सकता है। तो ऐसा काम ना हो हमारे साथ कि मतलब हम एक अपना अंग गवा के शाम को घर जाएं। भैया फैमिली बहुत आस लगा के बैठी है, ठीक है, और ज़्यादा मैं मतलब टाइम नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, टाइम को भी हमको ख्याल करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और आखिरी बार ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सुबह से शाम तक मतलब जो काम करते हैं
कोई जल्दीबाजी नहीं है, 5 मिनट लेट चलेगा, 5 मिनट लेट काम कर लेना शाम तक, लेकिन अच्छे से काम करना। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, हमारा स्टाफ है वहाँ पे, हर एक साइड पे स्टाफ घूमता है हमारा। स्टाफ को बुला कर पूछने का कि साहब हमको यहाँ काम करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर हमारी कंपनी आपको पूर्ण रूप से कोई सुविधा नहीं देती है तो हमसे पूछिए, हमको बोलिए कि साहब यहाँ ऐसे काम है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप लोगों को देखा साहब ने मेरे बोले, अभी सर ने बोला कि मतलब हम लेडर लगाते हैं उसको एक्सेस बोला जाता है ना जी, हाइट पे आने और जाने के लिए एक्सेस बोलते हैं उसको, तो उसको ऊपर जाने के लिए आप लोगों को मैं बताया हूँ पहले भी कि कभी भी हमारा जो लेडर लगता है 75 डिग्री होना चाहिए, उसको ऊपर कपलिंग कर लेंगे, वो नहीं है तो रस्सी से बांध लेंगे अच्छे से, ठीक है। नीचे एक बंदा मतलब अगर कोई चढ़ता है तो उस टाइम एक बंदा खड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो भी मतलब मापने का तरीका क्या है, पूरा मतलब लेडर में पैर हटा के और ऐसे पकड़ के सीधा खड़ा हो जाएंगे, ठीक है, पता लग जाएगा कि हमारा 75 डिग्री में है, ठीक है। ऊपर प्लेटफॉर्म जो बनाएंगे ना तो उसको भी मतलब चेक कर लेंगे अच्छे से, अगर नहीं है तो हमारे सुपरवाइजर साहब लोग हैं, इन लोगों को बुला लेने का कि साहब देखो हमारा प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं है, क्लैंपिंग जो किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए हैं, मतलब आधा अधूरा काम नहीं करना हमको, जो काम करना है ना पक्का काम करना है। पक्का काम करने से ये होता है कि हमको पूर्ण रूप से विश्वास होता है जी कि हाँ हाँ इस लेटर को अच्छे से मैं आरम्भ किया हूँ, ये सटकेगा फिसलेगा नहीं, ना फिसलेगा नहीं, तो अच्छे से विश्वास एक होता है मन में जो कि हम हाँ सेफ्टी बेल्ट लगा के चल रहे हैं, हम गिरेंगे नहीं, उससे बहुत हिम्मत मिलता है, बहुत हिम्मत मिलता है। आप लोग भोजपुरी समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे, लेकिन ये हिंदी का भी वर्ड है और भोजपुरी का भी वर्ड है, हिम्मत यानी साहस। ये जो है ना साहस शब्द जो है ना बहुत मतलब हिम्मत देता है हमको काम करने के लिए। उसके लिए जो हमारा प्रॉपर पीपी है ना, प्रॉपर पीपी जो हमारे उसको पूर्ण रूप से हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ इंजूरी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और